22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में निर्मित मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है। भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं, विशेष साज सज्जा की जा रही है। ऐसा ही अयोध्या में निर्मित राम मंदिर की एक प्रतिकृति भोपाल के मालवीय नगर में युवा सदन में बनाई गई है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। युवा, बच्चे, महिलाएं सभी इसके साथ तस्वीरें ले रहे हैं। भोपाल से हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल के न्यू मार्केट के पास स्थित युवा सदन और रामेश्वर शर्मा के निवास के पास में भव्य ये अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की यहाँ पर प्रतिकृति बनाई गई है और इसका आज यहाँ पर उद्घाटन लोकार्पण यहाँ पर किया गया है। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये जो प्रतिकृति है उसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। भगवान श्री राम का कटआउट यहाँ पर है और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यहाँ पर कटआउट जो है वो लगाया गया है। और बिल्कुल अयोध्या में निर्मित भगवान श्री राम के मंदिर की पूरी ये जो छवि है, ये प्रतिकृति है, यहाँ पर स्थापित की गई है और जिसको यहाँ पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका आज यहाँ पर लोकार्पण यहाँ पर किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और बुजुर्ग विधायक रामेश्वर शर्मा के द्वारा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट है और यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने परिवार के साथ यहाँ पर आकर सेल्फी यहाँ पर ले रहे हैं। हम बात करते हैं लोगों से, कई किस तरीके का आपकी भावनाएं हैं भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और ये जो ये सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बना है, जो भव्य छवि जो है उस मंदिर की यहाँ पर उकेरी गई है। देखिए, 22 तारीख को प्रत्येक नागरिक इस देश का राम मंदिर के लिए दर्शन के लिए नहीं जा सकता, मगर भोपाल में एक बहुत बड़ा एक माहौल यहाँ पर बना है। हुजूर विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी द्वारा यहाँ पर एक प्रतिकृति बनाई गई है राम मंदिर की, जिसको पूरे भोपालवासी अपने परिवार के साथ आकर देख सकते हैं और सेल्फी इस मंदिर प्रांगण में आकर आप ले सकते हैं, क्योंकि पूरे देशवासी चाहते हैं कि 22 तारीख को अयोध्या जाए, राम मंदिर के दर्शन करें, मगर यहाँ पर राम मंदिर का स्टेचू बनने से सब लोगों की मन की जो इच्छा है वो पूरी होगी। मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा, सभी यहाँ पर उपस्थित हो रोशनपुरा पर युवा सदन मालवीय नगर में और यहाँ पर जो प्रतिकृति है मंदिर की उसका दर्शन लाभ करें, उसके साथ परिवार के साथ उसकी सेल्फी लें। और ये देखिए, कुछ और लोग यहाँ पर अपने बच्चों के साथ यहाँ पर वो आए हैं यहाँ पर तस्वीरें लेने के लिए। आप बताइए, क्या आपकी भावनाएं हैं और जिस तरीके से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जो है अयोध्या में बन गया है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, यहाँ पर आप तस्वीर लेने आए हैं? जी सर, बहुत खुशी हो रही है हमें तो यहाँ पर आके, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे जीवन काल में, मतलब ये कितने टाइम से रुका हुआ था, कितने लोग चले गए, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहूँगा जितने भी भोपाल वासी हैं जो मार्केट में आके एक बार ज़रूर आएँ, एक बार ज़रूर सेल्फी लें और अकेले ना आए, सबको साथ लाएँ और कोशिश करें कि राम मंदिर में जाने की पूरी पूरी कोशिश करें। जय श्री राम। महिलाएं भी यहाँ पर हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं और उनसे हम बात करते हैं। लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, महिलाओं से बात करते हैं। आप यहाँ पर आइए मैडम, यहाँ पर राम मंदिर की प्रतिकृति यहाँ पर उकेरी गई है, अयोध्या में श्री राम का मंदिर जो है बन के तैयार हो चुका है, क्या भावनाएं हैं आप लोगों की? बहुत अच्छी भावना है भाई साहब, बहुत खुशी की बात है कि 500 साल बाद हम मंदिर, हम मतलब वो खुश नसीब है कि जो हम मंदिर बनता देख रहे हैं और भगवान राम को उसमें विराजते हुए देख रहे हैं, और भाई साहब ने इतनी अच्छी व्यवस्था की हम भोपाल वासियों के लिए कि हम उसकी प्रतिकृति यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे खुशी। जी, मेरे को भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम तो छोटे थे तब से ये सपना देखते हुए आ रहे हैं बहुत राम मंदिर। हाँ, मेरे पापा भी गए थे, बहुत खुशी होती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं इस क्षण के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोगों की भावनाएं जो हैं वो अपने चरम पर हैं और पुराने समय को भी याद करके लोग भावुक हो रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर भगवान राम के मंदिर की, अयोध्या के मंदिर की यहाँ पर भव्य प्रगति है, आप देख सकते हैं लोग किस किस तरीके से यहाँ पर फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और इन यादों को, इस पल को वो एक यादगार तस्वीर के रूप में सहेजना चाहते हैं। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ अजीत द्विवेदी, DD News भोपाल।